तो आज मैं बनाने वाला हूँ इस सर्वर में सबसे बड़ी लैग मशीन। एंड ये लैग मशीन लिटरली पूरे सर्वर को तबाह कर सकती है। एंड यही नहीं, इसका ओनर मुझे बैन भी कर सकता है एंड मेरी मीडिया रैंक को भी हटा सकता है। तो बिना किसी देरी के इस मशीन को मैं बनाना स्टार्ट करता हूँ। बट मेरे पास बनाने के लिए सामान तो है नहीं ना, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सामान ग्राइंड करना पड़ेगा। एंड यार शॉप से हमें मिल ही नहीं सकता वो सामान, क्योंकि हमें यार रेड स्टोन एंड स्टोन चाहिए। अब तुम लोग कहोगे भाई यार इजिली यार मिल तो जाता है ये। एंड वो यार मुझे ग्राइंड करने में बहुत ज्यादा आलस आता है, इसलिए यार मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा है। इसलिए यहाँ पर मैं डायरेक्ट एंडर चेस्ट से अपने लिए एक बेस्ट पिकेक्स निकाले थे, उसके ग्राइंड तो करना ही पड़ेगा ना। एंड यहाँ पर कोई बढ़िया सी पिकेक्स है भाई। एंड यार अगर मुझे स्टोन अगर ये चीजें मिलती भी हुई ना, तो यार मैं डायरेक्ट खरीद लूंगा बिना किसी देरी के। लैग मशीन एक बनानी है। लैग मशीन कौन सी लैग मशीन सही है? तो उसके लिए बड़ी सी लैग मशीन बनानी पड़ेगी। तो यार नेदरराइट की कोई बढ़िया सी पिकेक्स लेके दिए यार, पिकेक्स से कोई बढ़िया सी। एंड अब ये सारा सामान मैं इसमें रख दूंगा। फिर करना लेट्स गो यार, तुम पहले नहीं मिले, मेरे पास इतना बड़ा शुगर केन काम था ना, तुम पे करा दे यार, कैसे 2.2 मिलियन मिलता। तो मैं अपनी किट्स को अनलॉक करता हूं, उसमें खतरनाक वाला सामान ही होता है। कुछ लोग बोल रहे थे कि मीडिया रैंक वाले को भाई प्रोटेक्शन 10 आर्मर मिलेगा। नहीं 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 नहीं, ये कुछ नहीं होता भाई, मैंने अपना सामान भी रख दिया इसके अंदर। एंड लेट्स गो, इसके अंदर मैं सारा सामान डाल देता हूँ। एंड भाई ये हल्का ही भर गया। एंड यार मेरे पास इतना सामान आ चुका है, मैं गिव अवे मार दूंगा उसी को भाई। बस यार बंदा मिलता ही नहीं है कोई, इसलिए टाइम नहीं मिल रहा मुझे, वरना मैं गिव अवे कर दूँ ये सारा आइटम। तो आप लोगों को भी मिल सकता है, बस आपको कुछ नहीं करना है, डिस्कॉर्ड में ज्वाइन करना है। एंड लेट्स गो, और कुछ करना है। हाँ पिकेक दे, पिकेक दे, पिकेक दे, लेट्स गो। खतरनाक वाली पिकेक आ चुकी है अपन के पास। अब हम डालते हैं इसमें एक्सरे भाई, फुल चीटिंग करके खेलेंगे। एंड मैं यार इससे ना वीडियो रैंक से निकल सकता। अरे भाई यहाँ पर एक्सरे यूज करता हूँ ना मैं भाई, डायमंड तो ऐसे मिल रहा है थोक के भाव, लेकिन डायमंड चाहिए नहीं है, डायमंड तो अनलिमिटेड है। एंड उसी के बाद मैं यहाँ पर रेड स्टोन को ग्राइंड कर लेता हूँ। ओके गाइस लेट्स गो, रेडस्टोन इतना ज्यादा कलेक्ट कर लिया है मैंने, बन जाएगा इससे बहुत बड़ी लैग मशीन बन जाएगी। एंड यहाँ से मैं थोड़ा वुड को भी कलेक्ट कर लेता हूँ। वुड भी आ चुकी है अपन के पास, उनका उधर जंगल है भाई, यहाँ पर मैं छोटी छोटी जगह पे। हाँ ये बता क्वार्ट्ज है मेरे पास, एंड लेट्स गो। अबे अबे भाई डैमेज ही लगते माना। अब यहाँ से पॉड कलेक्ट करने आ चुका हूँ, मैं पॉड को भी कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड कितने कितने कितनी बड़ी बना बता, कितने 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 बाई कितने की बनाए, 100x100 की या फिर 50x50 भाई? 50x50 नहीं, ज्यादा ही बन जाएगी। देखिए बनाते हैं जितने मटर की, भाई बहुत सही जगह मिली यार, मजा आ गया, यहीं पर ही बनाएंगे। सबसे पहले तुम मेरे पास टीपी भेज, टीपी भेज, टीपी 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 टीपी। फिलहाल यार हमने आज तो बहुत सारा सामान ग्राइंड कर लिया है। एंड क्राफ्टिंग टेबल कहाँ गई भाई? ओके एक क्राफ्टिंग टेबल बना लेते हैं। एंड ये सारे थे, अब यार हमें मतलब बनाने वाले हैं क्या बनाए, इससे क्या बनेगा, ऑब्जर्वर। एंड ऑब्जर्वर, एंड ऑब्जर्वर कैसे बनता है भाई? भाई ये भी यार सामान लेके आया, इतना ही सामान नहीं हमारे पास, बहुत सामान देखो इतना यार लिटरली सामान है। एंड आज पूरा सर्वर ना तबाह होने वाला है, इतने बड़ा दिमाग खराब करा है तो। एंड लेट्स गो, सबसे पहले इधर ऐसे डालना है। एंड ये रेसिपी मैं देख रहा हूँ ठीक है। एंड एक इधर, एक इधर, एक इधर। एंड लेट्स गो भाई, इतना ज्यादा आयरन आ चुका है। एंड बना नहीं भाई, ये क्या हो गया भाई, स्टोन से बनता है क्या पिस्टन? तो ओके दोस्तों, अब हम बनाने वाले हैं पिस्टन। एंड पिस्टन बनाने के लिए हमारे पास सारा सामान भी है, तो इसे ऐसे करके लगाते हैं कॉबलस्टोन को। ओके फिलहाल यार यहाँ पर हमने पिस्टन तो बना लिए हैं, अब हमारी बारी आती है ऑब्जर्वर बनाने की। ओके फिलहाल यहाँ पर इसके लिए मुझे सबसे पहले ऐसे रखना है इस तरीके से। एंड से उसी के जस्ट बाद हमें यार यहाँ पर ये दोनों रख देनी है चीजें। एंड उसके बाद हमें आयरन रख देना है, आयरन ज्यादा हो सके। और फिर उसके बाद हमें वापस से स्टोन रखना है, स्टोन फेंकी और स्टोन मेन इन्वेंट्री में आके। एंड यहाँ पर ऑब्जर्वर बन चुके हैं। फिलहाल यहाँ पर स्टोन के वहाँ पर शॉर्टेज आ चुकी है, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपन यार जितना आए उसी से यार काम चला लेंगे। और यार अपन के पास ऐसा नहीं है बहुत कम, बहुत ज़्यादा है। एंड यहाँ पर भाई सबको ऐसे अभी बराबर हो जाए। ओके यहाँ पर भी यार लैग मशीन मैंने बना दी है। ओके ऑब्जर्वर 50 बना चुके हैं अपन के पास। एंड यार ये डीफ्लेट से क्यों नहीं बन रहा है ये बता? ओके यार ये डीफ्लेट से नहीं बनेगा, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड उसके बाद हमारे सामने एक और बड़ी दिक्कत आ चुकी थी कि हमारे पास लैग मशीन बनाने का तरीका नहीं था। तो उसी के बाद मैं जाता हूँ यूट्यूब पर सर्च करता हूँ हाउ टू मेक लैग मशीन, एंड जो हमें यहाँ सबसे ईजी मिलती है तो वही हम बना लेते हैं। आजा 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 20 आजा बनाते हैं। 20 जगह भी मिल चुकी है, मैंने तेरे वीडियो भेज दिया, उस वीडियो के हिसाब से हमें बनाना है, तो स्टार्ट करते हैं बनाना। अबे उड़ के कहाँ से? अच्छा पेपर। ओके ले थोड़ा सा मैं से ऑब्जर्वर ले।
एंड बनाना स्टार्ट कर। भाई ये तो बहुत छोटा बनेगा, अपन लोग पता नहीं कितना बड़ा बनाने की सोच रहे थे। पहले छोटा बना के ट्राई करेंगे ना कि कैसा बनेगा। हाँ छोटा बना के पहले हम लोग ट्राई करते हैं एंड उसके बाद हम लोग बड़ा बनाएंगे। कोई टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से हमारा एयरफोन कम पड़ चुका है और ऊपर से आया कोई यार ऑब्जर्वर चला के नहीं रहा है, बट फिलहाल कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपन लोग सारा स्टोन को कलेक्ट करते हैं एंड फिर वापस से यार बनाना स्टार्ट करते हैं। ऑब्जर्वर की यार ज़्यादा कमी पड़ गई, बहुत ज़्यादा मेहनत से ऑब्जर्वर बनते हैं। ओके फिलहाल यहाँ पर हमारा आ चुका है वापस से सामान एंड यहाँ पर एंडर चेस्ट खोलता हूँ। सबसे पहले मैं एंडर चेस्ट से यहाँ पर मैं सारा सामान निकालता हूँ जिस जिसकी हमें यार नीड है। यदि भाई क्राफ्टिंग टेबल स्लैश क्राफ्ट करते हैं भाई, अपने पास यार सारी कमांड है एंड ये चीज देता है भाई। क्राफ्टिंग करना इसका कठिन काम है मुझे पता चला। एंड यहाँ पर यार 10 बन चुके हैं, 32 ऑब्जर्वर बन चुके हैं टोटल एंड एक आध तो और भी बन जाएगा, 3 बन गया भाई लेट्स गो। ओके इतना तो हमने बना लिया, अब हमें यार ऊपर फेस करके यार सारी यार ये लेयर्स लगानी है। ओके एंड देखते हैं भाई यार सवाल लैग होता है क्या नहीं एंड ये लैग मशीन है वो काफी ज्यादा खतरनाक हो तो यहाँ चाहिए था। और लेट्स गो भाई। ओके फिलहाल लगाता हूँ मैं एक करके। तो अब बारी आती है इस पिस्टन को लगाने की, तो अब यहाँ पर मैंने ये चीज लगा दी है तो अब क्या लगाना है मुझे। एंड यहाँ पर यार मुझे कॉबल स्टोन लगाना भाई, कॉबल स्टोन की ज्यादा जरूरत है एंड कॉबल स्टोन तो मेरे पास टोटली बिल्कुल नहीं बचा है। तो वापस से यार थोड़ी मेहनत करते हैं, वापस से तोड़ के लाता हूँ यार मैं कॉबल स्टोन को। एंड यहाँ पर मैंने एक आसान उपाय निकाल लिया है, तो यहाँ पर अब मुझे कुछ नहीं करना है, पहले मुझे नीचे जाना है हल्का सा भाई नीचे हो। ओके तो यहाँ पर इतना नीचे सही है एंड यहाँ पर मैं ये लगाता हूँ एंड इसी के बराबर में जाके खड़ा हो जाता हूँ। ओके भाई लेट्स गो भाई, इतना ज़्यादा सामान मिला। ओ भाई देखो यार ऐसे इस तरीके से आसानी से मैं स्टोन मिल सकता है एंड मिल क्या सकता है भाई, मिल गया एंड 64 मिल रहा है। ओके फिलहाल यहाँ से इधर ऑब्सीडियन लगा लिया है क्योंकि मैं गलत जगह यार लगा रहा हूँ, थोड़ा यार मुझे अंदर करके लगाने चाहिए जिससे यार मुझे ज़्यादा से ज़्यादा स्टोन मिल सके। एंड क्रिस्टल को लगाते हैं भाई। ओके भाई क्या खतरनाक सामान मिला एंड वापस से गलत लगाते हैं। और भाई अब तो मज़ा आ गया भाई, अब तो यार मैंने बहुत ज़्यादा ही निकल लिया ग्राइंड भाई। इस तरीके से अगर मैं करता ना तो सही रहता, बस यार हमारे थोड़े से पैसे गए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वापस से पैसे तो वापस भी आ जाएगा। ओके लेट्स गो भाई, इतना सामान अपना काफी है। ओके लेट्स गो आई एम बैक एंड यहाँ पर वापस से क्राफ्ट का काम शुरू करते हैं। तो पिस्टन बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमें बोर्ड लगानी है कुछ इस तरीके से। पिस्टन हमें यहाँ कुछ ऊपर यार डायरेक्शन में फेस करते हुए लगाने हैं। अब यहाँ पर यार देखते हैं FPS में इफेक्ट आएगा क्या नहीं, एंड जिसमें होगा यार मिल जाएगा इजिली एक ही बार में। यहाँ पर सैंड ही हमें हुआ था तो यार सैंड हम ले लेते हैं। ओके यहाँ पर इसे प्लेस करते हैं। ओके गाइस सैंड अभी मेरा खत्म हुआ था तो मैं वापस से ले आया हूँ सैंड एंड बराबर में मिल गया ये तो। एंड यहाँ पर वापस से प्लेस करते हैं भाई, एक एक यहाँ प्लेस करने के लिए बोला था बट हमने यार दो दो प्लेस करना है क्योंकि यार सर्वर को यार ज्यादा सेलेक्ट कराएंगे। एंड मुझे बस एक काम करना है कि इस ऑब्जर्वर को कुछ ऐसे तोड़ देना है भाई। ओके ये ऑब्जर्वर आ गया, कुछ इस ऑब्जर्वर को कुछ इस तरीके से वापस से प्लेस कर देना है। एंड भाई यहाँ पर इन सारे ऑब्जर्वर के साथ यही करना है भाई, कहाँ गई है फ्रेंड। तो ये तरीका तो हमारा यहाँ बहुत बुरी तरीके से फट हो चुका है और यहाँ पर ये काम भी नहीं करता है इस तरीके से। तो अब यार मुझे वापस से यार थोड़ा अपना IQ लगाना पड़ेगा और यहाँ पर ये सारी स्टैंड को तोड़ता हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर यार मैंने सारे आर्मर स्टैंड बहुत ज़्यादा ग्राइंड करके बना लिया है। अब यार ये कुछ ऐसे मैंने लगा दिए ऊपर, तो अब यार इनकी बारी आती है इन्हें चेंज करने की। तो यहाँ पर यार मैं ये इन सारी चीज़ों को चेंज करता हूँ, रुको इन सारी को यार तोड़ता हूँ। एंड फिलहाल इसे टर्न ऑन करने के लिए मुझे कुछ इस तरीके से प्लेस कर दिया है मैंने। एंड भाई ये लुक क्यों ज़्यादा, बस मैं ये समझ में नहीं आया ये। एंड वापस से ये करके देखता हूँ भाई, अब अगर नहीं हुआ यार फोकस हो जाएगा अपना भाई, ये तो काम ही नहीं करता है। एंड अगर यार मैं कुछ इसे या कुछ इस तरीके से प्लेस कर दूँ तो देखो ऐसा होता भाई। अगर यार तुम्हें कुछ उपाय पता है तो यार बताना, नेक्स्ट वाले वीडियो में हम यार फुल तरीके से ट्राई करेंगे। तो इस लैग मशीन ने तो हमारे साथ धोखा कर दिया है, तो आप लोग हमारे साथ धोखा मत करो, लाइक कर दो जाते। एंड मैं तुम नेक्स्ट वीडियो में जब तक देते हैं बहुत सिंपल गाइस एंड यार जाकर वीडियो देख लो।